ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات پڑھے محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهل الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے کثرت میں مومنین ہیں اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقط قال رسول الله ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات پڑھے محمد وعلى محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد خلقت کی خاطر یہاں پہ جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ مجلس عزاء امام حسین ایک واقعے کو منانے کے لیے نہیں ہے ایک قصے کو منانے کے لیے نہیں ہے مجلس عزاء ایک تہذیب کا نام ہے مجلس عزاء ایک ریولیشن کا نام ہے مجلس عزاء ایک تحریک کا نام ہے جتنی بھی بڑی شخصیتیں اہل بیت کے ماننے والوں میں سے اس زمانے کی یا بہت قدیم زمانے کی شخصیتیں اگر بنی ہیں اس مکتب اہل بیت میں وہ عزاداری کی وجہ سے خمینی خمینی بنے مجلس عزاء کی وجہ سے سلیمانی سلیمانی بنے
मजलिस अज़ा की वजह से। मरअशी नजफ़ी, अगर मरअशी बने तो बरकत मजलिस अज़ा की वजह से। जितने उलमा जुहदा इस मकतब में पैदा हुए वो मजलिस अज़ा की वजह से। वल्ला अगर मजलिस अज़ा न होती आज इस मकतब में वो रौनक न होती। तो ये बात याद रखिए कि मजलिस अज़ा एक वाक़िया नहीं है, मजलिस अज़ा एक किस्सा नहीं है। हम यहाँ पे बच्चों को जमा करके किस्से और कहानियाँ सुनाने नहीं आते कि तारीख में एक वाक़िया हुआ था अब हम बता रहे हैं, जबकि हर किसी को पता है, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, कोई 40 साल का, कोई 20 साल का, कम से कम जब से होश आया है शिया मजलिसों में आ रहा है। क्या हम रिपीटेड चीज़ें सुनने आते हैं? हर किसी को पता है इमाम हुसैन कैसे शहीद हुए? नहीं मेरे अजीज़, तू मजलिस में आता है अपने वजूद की तहजीब करने के लिए, तू मजलिस में आता है खुद को हुसैनी बनाने के लिए। देखिए जब तक जिंदगी में मेयार न बनाया जाए इंसान को पता नहीं लगता कि मेरे वजूद में नक्श कितने हैं। तो खुदा ने आला तरीन मेयार बनाया, जब उस आला को देखोगे तो अपने अंदर के वजूद की कमी तुम्हें नजर में आएगी। मसलन अगर मेरे घर में दो बल्ब लगे हुए हैं, दो बल्ब की रोशनी है और सारे घरों में अंधेरा है तो मैं क्या समझूंगा मेरा घर तमाम घरों से क्या है? रोशनतर है। लेकिन वहीं पे एक और घर हो जिसके अंदर हजारों बल्ब लगे हुए हों, उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि तेरे घर में कितनी कम रोशनी है। तो इंसान जब हुसैन के वजूद को देखता है फिर एहसास होता है कि मेरे वजूद में कमियां कितनी मौजूद है। जब तेरे रोल मॉडल तैयब होंगे तब तुझे पता चलेगा कि तेरे वजूद में खबासतें कितनी है। तो तैयब को देख कर, आला रोल मॉडल को देख कर इंसान खुद को बनाना शुरू कर देता है। तो करबला इसीलिए तहजीब का नाम है, करबला इंसान के वजूद को बनाने का नाम है। और हमने अर्ज किया कि अगर इमाम हुसैन करबला जा रहे हैं तो एक फलसफा लेकर जा रहे हैं। यह भी मत सोचना कि इमाम हुसैन ऐसे ही चले गए, कोई इत्तफाक था, मामलात थे और दिन ब दिन वो मामलात बनते गए, हालात संवरते गए, हालात बिगड़ते गए और इमाम हुसैन आगे बढ़ते गए। नहीं, हुसैन इब्ने अली अगर जा रहे हैं एक प्लान लेकर जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग करके जा रहे हैं। छोटी सी छोटी जंगे भी होती हैं, स्ट्रेटजी बनाई जाती है। आपने कभी कोई मुल्क देखा जो बगैर स्ट्रेटजी के जंग करे? तो कैसे इमाम हुसैन जा रहे हैं जबकि कई लोगों ने मक्के में भी रोका, मदीने में भी रोका, रास्ते में भी रोका कि मौला आप जा तो रहे हैं, वहां पे हजारों का लश्कर है और मौला आप इतनी कम तादाद में जा रहे हैं, तो क्या मौला हुसैन ऐसे ही जा रहे हैं? कभी आपने सोचा, कभी ये सवाल जहन में पैदा हुआ कि मौला को जाना था तो अकबर को लेकर क्यों गए? जाना था तो सैयदा जैनब को लेकर क्यों गए? जाना था तो अली असगर को लेकर क्यों गए? जाना था तो नन्ही सी सकीना को लेकर क्यों गए? आपको पता है वो दुश्मन जो जरी है, वो दुश्मन जो शकी है, वो दुश्मन जो मुबगिज है, आप उसके सामने बच्चों को लेकर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इमाम हुसैन उस जमाने के मुसलमानों को भी जानते थे और अहले बैत की निगाह तक कयामत आने वाली नस्लों पर भी थी। आज जब जंग सिफीन का जिक्र होता है कि भाई यहां कत्ले असहाब हुआ, जब यह बोला जाता है जनाब मालिक को कत्ल कर दिया गया, जब यह बोला जाता है जनाब मोहम्मद इब्ने अबी बकर को कत्ल कर दिया गया, कितने बड़े बड़े अकाबरे असहाब जो लश्कर अमीरुल मोमिनीन में थे उन्हें मारा गया, तो एक जुमला मुसलमान बोलता है और वो जुमला कौन सा है? भाई खता इश्तिहादी हो गई थी लिहाजा हम सुकूत इख्तियार कर देते हैं। भाई जंगे जमल में इतने मारे गए, कहते खता इश्तिहादी हो गई थी। तो इमाम हुसैन भी जानते थे कि जब कत्ल हसन खता इश्तिहादी बन गया, जब कत्ल असहाब रसूल खता इश्तिहादी बन गया और उस खता को खता इश्तिहादी बोलकर, जबकि ये जुमला ना कुरानी है ना जुमला नबी के कलाम से साबित है, लेकिन ये फिट कर दिया जाता है कि भाई कातिल किया है, कहीं कातिल से भी खता हुई, मक्तूल से भी खता हुई, ये खता इश्तिहादी थी। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि अली अकबर थे, जंगे सिफीन में भी अली अकबर थे, जंगे जमल में भी अली अकबर थे, लेकिन मद्दे मुकाबल से क्या हो गई? खता इश्तिहादी हो गई। अब 5 मिनट के लिए तसव्वुर करिए, अगर इमाम हुसैन अकेले करबला जाते या सिर्फ बेटों और भाइयों को लेकर जाते, बच्चों को लेकर न जाते, खवातीन को लेकर न जाते, तो हुसैन यजीद के चेहरे से निकाब कैसे उतारते?
वाकईन अगर सिर्फ इमाम हुसैन करबला में शहीद होते, ये मुफ्ती और मौलवी मिंबरों पे बैठ के बोलते कि वहां पर भी सहाबी का बेटा है, यहां पर भी सहाबी का बेटा है, लिहाजा दोनों से क्या हो गई, खता इश्तेहादी हो गई। फिर आप इस तरह आजादारी थोड़ी मनाते, फिर तोहीन माना जाता यजीद को बुरा भला कहना कि तुम नबी के सहाबी को बुरा भला कह रहे हो, खता इश्तेहादी हो गई। क्या मामला है, अली ने भी तो कत्ल किए थे, खता इश्तेहादी है। लेकिन इमाम हुसैन करबला जा रहे हैं, एक स्ट्रेटजी बना के जा रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊं इनके खून में आले रसूल का बोझ कितना है, इनकी रगों में इस्लाम की दुश्मनी कितनी है, कि आशूरा के दिन अपने 6 महीने के बच्चे को अपने हाथों पर बुलंद करके कहते हैं, ए लश्कर यजीद अगर तेरी दुश्मनी है तो हुसैन से है, पहले यह भी तो बता क्या मैंने हलाल मोहम्मद को हराम किया, क्या मैंने हराम मोहम्मद को हलाल किया। चलो तेरी दुश्मनी हुसैन के साथ है, लेकिन यह बता 6 महीने के बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है। क्या इस्लाम के नाते नहीं, इंसानियत के नाते पानी पिला दो, तो वहां पर मौला क्या बताना चाहते हैं। यहां मसाला इस्लाम का नहीं है, मसाला आले अली का है, मसाला दुश्मन आले रसूल का है, मसाला इस्लाम की दुश्मनी का है। हसन ने भी कोशिश की कि निकाब उतारे जाए, लेकिन सही तरीके से मुसलमान समझ न सके। लेकिन हुसैन ने बनी उमैया का निकाब करबला में उतार कर बताया कि इनके वजूद में इस्लाम की मोहब्बत नहीं है, नबी की मोहब्बत नहीं है, आले रसूल की मोहब्बत नहीं है। अरे अगर रसूल का एहतराम होता तो नबी की नवासियों के सरों से चादरें न उतारते, अगर मसाला जंग का था तो बच्चों को न मारा जाता, अगर मसाला जंग का था और बेअत का था तो कभी प्यासों पर पानी न बंद कर दिया जाता। तो हुसैन ने 2 इस्लामों का चेहरा दिखाया, एक इस्लाम इस्लाम अलवी है, दूसरा इस्लाम इस्लाम उमवी है। अलवी इस्लाम यह है कि जंग हो या कुछ भी हो, लेकिन तुमने इस्लाम के कानून को पामाल नहीं करना। और ये जानिए, जिस महीने में शहादत हुई वो हराम महीनों में से है। कुरान ने मना किया है कि माह हराम में कत्ल गारत न किया करो, माह हराम में जंग न किया करो, और उसी महीने में उसी नबी के नवासे के सर को काटा जा रहा है। तो फर्श अज़ाब हक और बातिल की पहचान के लिए है कि ये पहचान जो अहले बैत के मुकाबले में आए वो जहल कामिल थे, वो जहल कामिल थे, और जिसके मुकाबले में आ रहे थे वो अक्ल कामिल था। अगर तय्यबों के साथ रहोगे तो तय्यब बनोगे, अगर जालिमों के साथ रहोगे तो कयामत में उन्हीं के साथ तुम्हारा शुमार किया जाएगा। तो इमाम ने बताया कि मैं किसका बेटा हूं, अली का बेटा हूं। और अजीब है, जंग सिफीन और जंग करबला आप दोनों को मिलाएंगे तो आपको बाप की तरबियत का असर हुसैन के खून में नजर आएगा। वहां पर अली ने जब उनके पानी पर कब्जा किया तो अली ने पानी उनको पिला दिया, लेकिन जब मेरे मौला के पानी पे कब्जा हुआ जंग सिफीन में, उन्होंने पूरी कोशिश की कि अली के लश्कर वालों को पानी न दिया जाए, यहां पे हुर हुसैन का रास्ता रोकने आता है। मौला हुसैन अपने मशकों का दरवाजा हुर के लश्कर वालों के लिए खोल देते हैं, क्योंकि ये अली का बेटा है। और वहां पर जब अली पानी पर कब्जा करते हैं तो असहाब कहते हैं, या अली, उन्होंने हमारा पानी बंद किया था, लिहाजा हम भी उनका पानी बंद करेंगे। और कहने लगे, अली, सिर्फ 6 दिन अगर पानी बंद कर दिया जाए ये पूरी जंग हम जीत के चले जाएंगे। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, अरे मेरे असहाब, खबरदार, तुमने अली की फिक्र को नहीं समझा। अली जंग जीतने के लिए नहीं आया, अली इंसानियत को जीतने के लिए आया है। या अली, अगर जंग जीतने पर आऊं तो अली कई हरबे कर सकता है, लेकिन मैं जंग नहीं, इस्लाम को जीतने के लिए आया हूं। तभी कुछ नादान जब अहले बैत की महफिल में बैठते थे और कहते थे, या अली, आपका दुश्मन तो आपसे भी ज्यादा अकलमंद है। देखिए, सोचें, उस जमाने की और आज के जमाने की सेम है, कोई फर्क नहीं है। आज आप किस बंदे को अकलमंद समझते हो? चलो, सियासत के मैदान में आपकी नजरों में सबसे ज्यादा अकलमंद कौन है? जो सबसे ज्यादा चालबाजियां करें, जो सबसे ज्यादा झूठ बोले, जो बड़े खूबसूरत तरीके से लोगों के जहनों को गुमराह करे, हम कहते ये बंदा बड़ा अकलमंद है। और वैसे ही लोग उस जमाने में थे कि अली, तेरा दुश्मन बड़ा अकलमंद है। इमाम ने कहा, क्यों? कहा, मिस्र तेरे हाथों से ले लिया, शाम भी उसके पास है, आधा इराक भी वो लेने वाला है, मौला आपकी हुकूमत तो कूफे और थोड़ा बहुत बसरे की हद तक महदूद है। तो इमाम ने फरमाया, इसे अकल नहीं बोलते, इसे मकर बोलते हैं। फरमाया, तुझे पता ही नहीं कि अकल का मतलब क्या है? तो फरमाया, मौला, अकल क्या है? फरमाया, अल अकलो मा उबिद बिहर रहमान, बंदा अपनी अकल से शैतान की इताअत नहीं करता, अपनी अकल से रहमान की इताअत करता है।
और ये कहना कि तुम कहते हो कि वो अकलमंद है, फरमाया अकल नहीं मकर है। और नहजुल बलागा का जुमला, फरमाया अली अगर मकर करने पर आए तो फरमाया पूरे अरब में अली से बेहतर कोई मकर न करे। लेकिन अली ताबे मकर नहीं है, अली ताबे अकल है। हम कायनात में अकल की हुकूमत को नाफिज करने के लिए आए हैं। और वही लश्कर वाले ये कहने लगे, अली चलिए आपकी बात हम समझ गए, नबी का हुक्म है प्यासों पे पानी बंद न करो, नबी का हुक्म है बच्चों को असीर न बनाओ, नबी का हुक्म है किसी के घर को न जलाओ, नबी का हुक्म है जंग में लोगों की खेतों को आग न लगाओ, नबी का हुक्म है अगर मैदान जंग में कोई जख्मी है तो उस पर वार न करो, नबी का हुक्म है अगर मैदान छोड़ के कोई भाग रहा है तो पीठ पे उसे कभी तीर न मारो। हम जानते हैं ये सारे उसूल रसूल खुदा के हैं, लेकिन अली उन्होंने 3-4 दिन हमारा पानी बंद किया, दिल में बड़ा गुस्सा है। अगर आप इजाजत ने जितने दिन उसने पानी बंद किया था हम भी उतना ही बदला लेकर उसका पानी बंद करेंगे। ये सुनना था अली के चेहरे पे जलाल नमाया हुआ और कहने लगे, ओ लोग कौन सी डिमांड तुम अली इब्न अबी तालिब से कर रहे हो, जो उसने किया वो मैं करूं, फिर ये बताओ उसमें और अबी तालिब के बेटे में फर्क क्या रह जाएगा। यही तो तमीज हक बातिल है। क्या देख करबला में हुसैन का इस्लाम कैसा था और हुसैन के मुकाबले में आने वाले का इस्लाम कैसा था। वल्ला करबला में अगर बच्चियां ना होती, अगर अली असगर ना होते, आज यही बोला जाता ये खताए इश्तेहादी थी। यानी पिछले कितने कत्ल हैं, कत्ले अम्मार है, कत्ले मालिक है, जनाब अबू जर गफारी, कितने अकाबिर तरीन असहाब मारे गए, लेकिन यही बोल के कि खताए इश्तेहादी थी मसले को रफा दफा कर दिया जाता है। करबला के वाक्य को भी ऐसा बना दिया जाता, लेकिन इमाम ने जब चेहरा इतना आया कर दिया, फरमाया यजीद तू जितना जुल्म करना चाहता है तो जुल्म करता जा, ताकि दुनिया तेरे चेहरे को देखती जाए कि तेरे वजूद में दुश्मनी अहले बैत कितनी है। तभी अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम इब्ने अबुल हदीद लिखते हैं कि 70,000 मस्जिदों में हर वाजिब नमाज की ताकीबात में, कि जब नमाज खत्म होती है मुसलमान तस्बीह पढ़ता है, चंद दुआएं पढ़ता है, वाजिब नमाज की ताकीबात में अमीरुल मोमिनीन को सब शिकन किया जाता था। जब ये काफिला शाम के बाजार में पहुंचा, 50-60-70 साल के कोई बूढ़ा था, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पत्थर मारने लगा। इमाम ने कहा, क्या तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, कुल ला असलकुम अलैह अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सर पे हाथ रखा और कहने लगा, वल्ला आज तक हमारे किसी मौलवी ने हमें यह आयत सुनाई नहीं है। कुरान की वो आयतें तक नहीं पढ़ी जाती थी जिनमें फदाइल अहले बैत थे। तो मकतब अहले बैत इंसान की फिक्र को बेदार करने के लिए है, हक व बातिल की पहचान को आया करने के लिए है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अदफ अहले बैत, सुलह इमाम हसन भी आप पढ़ेंगे, वो इसी चीज की कड़ी है। इमाम ने जो सुलह में शरायत लिखाई है, पहले शायद कोई बोलता सब अलीम नबी तालिब नहीं होता था। मैं कुछ पॉडकास्ट देख रहा था सोशल मीडिया में, कई शियों का झूठ है। हाँ, अब इब्ने अबुल हदीद क्या झूठ बोल रहा है, इतने बड़े बड़े उलमा बोल रहे हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? कहा नहीं नहीं, सब अली नहीं होता था। इमाम हसन ने अपनी शरायत में लिखवाया, सुलह की शरायत जब आप पढ़ेंगे, बड़ी पोलिटिकली बड़े टेक्निकली इमाम हसन ने वो शरायत लिखवाई। और शरायत में यह था कि आज के बाद किसी मस्जिद में किसी मिंबर से मेरे बाबा अली को गालियां नहीं दी जाएंगी। और उस बंदे ने नीचे क्या किए, दस्तखत किए। दस्तखत करने का मतलब क्या है कि जो आप कह रहे हो वो क्या है, सही है। मतलब आज तक होता था शरायत में यह कि मैं नहीं करूंगा। फिर फरमाया वो बनू हाशिम, वो बनू हाशिम के गरीब बेवाएं, वो यतीम बच्चे जिनको बैतुल माल से हुकूमत बैतुल माल से यतीमों को माल दिया करती थी, फरमा उनके पैसे जो तुमने बंद किए हैं सबको दोगे। उसने लिखा दूंगा, का जो अली के चाहने वाले हजारों की तादाद में तो बंद में है उन सबको आजाद करोगे। उसने कहा ठीक है आजाद करूंगा। इसका मतलब जो जो इमाम ने लिखा वो मानता गया। मानने का मतलब यही है, सारे काम में क्या करता था, करता था। इसी तरह इमाम हुसैन ने ये स्ट्रेटजी अहले बैत की है कि दुश्मन अगर वाकई करबला ना होता, किसको पता चलता कि कितनी दुश्मनी थी आले रसूल से, किसको पता चलता इतना जुल्म। अब यह बोला जाए कि भाई करबला में यजीद ने नहीं किया, इब्ने ज़ियाद ने करवाया, तो फिर शाम के बाजार को सजाया क्यों गया था, वहां तो यजीद था। फिर दरबार में नबी जादियों को खड़ा क्यों कर दिया गया,
फिर जनाबे सकीना को कनीजी के लिए बेचा क्यों जा रहा था? फिर इमाम हुसैन का सर अपनी नजरों के सामने रख के नबी के नवासे के होंठों पे छड़ी क्यों मारी जा रही थी? फिर वो शेर क्यों पढ़े जा रहे थे कि लाइबल हाशिम, बनु हाशिम ने अरब के साथ खेल खेला, न कोई वही आई न कोई नबी आया। ये बर्मला बताता है कि उस बंदे का अकीदा क्या था, उस बंदे की तरबियत क्या थी। तो हुसैन हक और बातिल की पहचान का नाम है, अली हक और बातिल की पहचान का नाम है। तो हमने अर्ज किया अहले बैत की जिंदगी वाकयात सुनने के लिए नहीं है, अहले बैत की जिंदगी से अपनी जिंदगी के लिए राह और रविश पैदा करने का हदफ इंसान पैदा करे। 50 साल से बंदा मजलिसों में आए लेकिन अहले बैत के उसूल को ना जाने, इन मजलिसों का कोई फायदा नहीं है। 3-4 तरह के लोग होते हैं जो मजलिसों में आते हैं, कुछ वो हैं जो वाकयन उसूल अहले बैत सीखने के लिए आते हैं, कुछ वो है जो फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं। तो भाई 10 दिन है, शिया है, मजलिस में तो जाना है, हाजिरी तो देनी है। तो हाजिरी वाले शिया ना बनिए, मजलिस का एक मकसद है, मजलिस का मतलब महजब बनो, तहजीब हासिल करो, फिक्र हुसैन को सीखो और अपने वजूद में वो उसूल पैदा करो जो अहले बैत की जिंदगी में थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज एक असल इमाम हुसैन की जिंदगी का बयान करेंगे जो बारिश तरीन, जो खुल्लम खुल्ला, जो अहले बैत की जिंदगी में उनके अफाल में उनके रफ्तार में नजर आता था। उस असल को अगर हम अपनी जिंदगी में लाएं तो जिंदगी नूरानी बन जाती हैं। दावे तो हम बहुत करते हैं लेकिन आज कलाम अहले बैत से सुने, वाकयन वो उसूल इमाम हुसैन मेरी जिंदगी में मौजूद है कि नहीं है। पहला उसूल अहले बैत की जिंदगी का जो उनकी दुआओं में, उनके कलामों में, उनके अमल में, उनकी नमाजों में हमें नजर आता है, वह असल कौन सा है, वह उसूल कौन सा है? अहले बैत परवरदिगार आलम के खौफ से सरशार थे। मौला की दुआओं में यह नजर आता है, उनके अमल में यह नजर आता है। और कुरान में खुदा इंसान को यह ऐलान करता है कि जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है वो फिर अल्लाह के बंदों से नहीं डरता, फिर वो बंदों के खौफ से आजाद हो जाता है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके दिलों में ना खौफ होता है ना कोई गम होता है। मैं जवानों को एक छोटी सी मिसाल दूंगा, मसलन वो बंदा जो कानून की परवाह करता है, मसलन आप ट्रैफिक के रूल्स की परवाह करते हो, कानून पर आप अमल पे रहो, आप गाड़ी बाहर लेकर जाओगे, लाइसेंस अपने साथ है, गाड़ी के कागजात आपके साथ है, हाईवे पे चल रहे हो, स्पीड का आप सही से ख्याल कर रहे हो, तो जो बंदा कानून से डरता है फिर वो पुलिस वाले से नहीं डरता। जिसके दिल में खौफ कानून है फिर खौफ पुलिस नहीं होता। पुलिस से वो डरता है जो कानून से नहीं डरता। इसी तरह जो अल्लाह का खौफ रखता है फिर वो अल्लाह के बंदों से नहीं डरता। जिसके दिल में शरीयत का खौफ हो वो फिर बंदों से नहीं डरता, फिर उसे परवरदिगार आलम बंदों के खौफ से क्या करता है, आजाद कर देता है। तारीख का जुमला है, मिलता जंगे ओहद में 70 लोग शहीद हुए और कई लोग जख्मी हो गए, हाथ टूट गए, पांव टूट गए। अब यहां पे नबी के साहब ने, उस वक्त के मुसलमानों ने जंगे ओहद में क्या किया, लाशों को जमा करना शुरू कर दिया, जख्मियों को उठाना शुरू कर दिया। यहां पर नबी के साहब आए, नईम इब्न मसूद, कहने लगे या रसूल अल्लाह सुना है कि अबू सुफियान और उसके लश्करी दोबारा अटैक करना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं दोबारा हमले करने की। जैसे सुना, अब वो बेचारे जो लाशें उठा रहे हैं, जो जख्मियों को उठा रहे हैं, काफी मैदान छोड़ के चले गए, फिर वापस आए, अब सुना कि दुश्मन दोबारा हमला कर रहा है, तो इनके वजूद में क्या पैदा हुआ, खौफ पैदा हो गया। और जैसे डरे तो परवरदिगार आलम ने आयत नाजिल की, फरमाया हबीब इन्नमा ज़ालिकुम शैतान युखफ्फु औलिया, ये जो तुम्हें डराता है और खौफ ज़दा करता है ये औलिया उस शैतान है, फला तखाफुहुम, और कभी भी औलिया उस शैतान से जो तुम्हारे वजूद में रुब वहशत को पैदा करना चाहता है उससे न डरा करो। वखाफूनी, और अगर जिंदगी में किसी का खौफ तुमने अपने दिल में अपने वजूद में पालना है, वखाफूनी, और किसका खौफ रखो, परवरदिगारे आलम का खौफ रखो। बंदों का खौफ रखोगे मौत तो वैसे ही आनी है, लेकिन अगर खुदा का खौफ रखोगे तो खुदा तुझे बंदों के डर से और खौफ से आजाद कर देगा। और यही किसकी निशानी है, मोमिनों की निशानी है। तभी आप अहले बैत के वजूद में देखते हो, अगर कोई बंदा बोले कि मौला अली डरते थे, आप बोलो अली डरते थे पर अली बस खुदा से डरते थे, उसके अलावा किसी और से नहीं डरते थे।
वो शख्स कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता था कि अली को जब मैदान जंग में देखता था एक धारते हुए शेर की तरह दुश्मन पे हमला करते थे, और वही अली जब रात के अंधेरे में मुसल्ले पे बैठते थे तो 5-6 साल के बच्चे की तरह अली को रोता हुआ देखता था। ये खौफ है परवरदिगार आलम। अब हम सब दावा करें कि हमारे वजूद में अल्लाह का खौफ है, लेकिन खौफ का पता कैसे चले कि वाकई मेरे वजूद में खौफ है कि नहीं है? इसके लिए अहले बैत फरमाते हैं इसकी 5 निशानियां हैं। दावा तो हर बंदा करता, मैं मुत्तकी, मैं परहेजगार, मैं सखी, मैं अली वाला, मैं मौलाई, मैं अमीरुल मोमिनीन का मानने वाला, मैं आजादार इमाम हुसैन, मैं सबसे बड़ा आजादार हूं। तो मासूम फरमाते हैं जिस भी चीज का दावा करो उसकी कुछ निशानियां होती हैं, अगर निशानियां तेरे अंदर हैं तो तू साहिब खौफ है परवरदिगार आलम है, और अगर खौफ है तेरे वजूद में खुदा का, और यही तकवा की निशानी है। तकवा का भी मतलब यही है कि मुत्तकी बंदा हमेशा खुदा से डरता है। मासूम फरमाते हैं पहली निशानी खौफ है परवरदिगार आलम की यह है, अगर तेरे वजूद में यह सिफत है तो तू साहिब खौफ है। कौन सी सिफत? फरमा पहली सिफत यह है कि जो अल्लाह का खौफ रखता है वो ये बावर रखता है, वो हमें यकीन रखता है कि खुदा नाजिर है। जो ये कहे कि मैं अल्लाह का खौफ रखता हूं लेकिन खुदा को नाजिर न माने, अलानियतम वसर्रा, ये नहीं कि सिर्फ लोगों के सामने बोले कि अल्लाह नाजिर है, तन्हाइयों में भी जाए तो उसका ये अकीदा हो कि खुदा मुझे देख रहा है। पूरी वेस्टर्न सोसाइटी कैमरों से डरती है, चोरी नहीं करती क्योंकि कैमरा लगा है, ट्रैफिक के इशारों पर रुक जाते हैं क्योंकि कैमरा लगा है। अगर मुसलमानों के दिलों में जितना अंग्रेजों के दिलों में कैमरों का खौफ है, अगर इतना हमारे दिल में खुदा का खौफ होता। इमाम हुसैन के पास एक जवान आया, मौला फार्मूला बताइए, मैं गुनाह नहीं करना चाहता। मौला मैं मजान लोगों को बोलता हूं, बाद लोग समझते हैं इस्लाम कोई हैरी पॉटर का दीन है कि बंदा कोई फार्मूला ले ले और उस करने से चमत्कार हो जाए, कोई जादू हो जाए और बंदा नेक हो जाए। नहीं, ये अमल का दीन है। फरमा मौला कोई फार्मूला दीजिए, मैं गुनाह नहीं करना चाहता। इमाम ने कहा तुझे बेहतरीन फार्मूला दे रहा हूं। जी मौला बताइए। सब जमान सुने के इमाम हुसैन का फार्मूला है जो गुनाह से बचना चाहता है। यहां फरमाते हैं जाके गुनाह कर लेकिन इस फार्मूले पे अमल कर। कहा जी मौला। कहा तुझे खुली इजाजत है, जा गुनाह कर। मौला क्या करूं, कैसे? इमाम फरमाए वहां जा कर जहां तुझे खुदा न देखे। कहने लगा मौला ऐसी कोई जगह है ही नहीं। कहा जब तुझे पता भी है तो फिर तू डिमांड क्यों करता है गुनाह की? यार जब तुझे पता है कि हर जगह कोई ऐसी जगह कायनात में है ही नहीं जहां खुदा ना हो, तो फरमा बदबख्त फिर तू गुनाह क्यों करता है? फिर मिसाल दी कि एक चरवाहा था, 500-600 बकरियां जंगल में चरा रहा था। इतने में एक जवानों का टोला, एक जवान थे और उसके कोई 7-8-9 दोस्त थे, वो जंगल में सैर व तफरी के लिए गए। अब इनको भूख लगी, देर हो गई थी, इनकी निगाह चरवाहे पे पड़ी। चरवाहे के पास 600-700 बकरियां। अब इन्होंने चरवाहे को कहा कि एक बकरा हमें दो, हम तुझे पैसे देते हैं, काटेंगे, ज़बह करेंगे, कबाब बनाएंगे, दोस्त ने सारे आपस में मिलकर खाएंगे, इंजॉय करेंगे। चरवाहे ने कहा जनाब ये बकरे मेरे नहीं, मैं अमीन हूं, मालिक कुछ और हैं। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तुझे पैसे देते हैं। कहा नहीं, मालिक की इजाजत नहीं। कहा अच्छा एक काम कर, ये तो और अच्छा हुआ तेरे लिए। कहा क्या मतलब? कहा देख 6-7 बकरे हैं, 600-700 बकरे हैं, तू पैसे ले ले, जेब में रख ले, मालिक कोई गिनता थोड़ी है कितने बकरे ले गए, डेली कोई गिनता थोड़ी है, मालिक को क्या पता? कहा अगर पता चल गया तो? कहा कोई बात नहीं, हम तरकीब बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, तुम ये बोल देना कोई भेड़ था, उसने हमला किया और एक बकरा खा गया। बाज़ औक़ात जब हम गुनाह करते हैं ना या कोई खता करते हैं तो उसके लिए पूरी प्लानिंग करते हैं कि फला जगह जा रहा हूं, बाप ने देख लिया क्या कर रहे थे, क्या दोस्त के साथ था, फला ने देख लिया बोलूंगा फला काम से क्या था। यानी मैं अपने जुर्म के लिए और जुर्म से बचने के लिए आंसर रखता हूं। जब हम प्लानिंग करते हैं ना, ये हो गया तो क्या बोलूंगा, वो हो गया तो क्या बोलूंगा। कहा अगर मालिक को पता नहीं चला, पैसे तेरे जेब में, पता चल गया तो बोल देना एक भेड़िया आया था और उसने एक बकरा खा लिया। चरवाहा पढ़ा लिखा था, साहिब ईमान था, इसने कहा बारकल्ला बड़े होशियार हो,
तूने हर क्वेश्चन का आंसर पहले से बना के रखा है, ये पूछेगा ये बोलना, वो पूछेगा वो बोलना, का मुझे ये बता फ़ऐन अल्लाह। अगर खुदा सवाल करे तो उसके लिए भी तूने कोई जवाब बनाया हुआ है कि नहीं? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? हमने हर किसी के लिए जवाब बनाए हुए हैं, इवन अपने वजूद को मुतमइन करने के लिए भी हमने आंसर्स रखे हुए हैं। अगर खुदा बोलेगा ये खता क्यों की, तो अल्लाह को जवाब दे दूंगा, खुदा ये था वो था वो था वो था। फरमाए जो खुदा को नाजिर न माने, असल है नजारत है परवरदिगार आलम, हर हाल में खुदा को नाजिर मानो। छठे इमाम की हदीस मैंने कई साल पहले मजलिसों में सुनाई थी, का मौला गुनाह नहीं करना चाहता, आदत है मामले का, बाप के सामने करोगे का नहीं, का माँ के सामने करोगे का नहीं, का जो तेरी इज्जत करते हैं उनके सामने करोगे का नहीं, का जिनकी तू इज्जत करता है उनके सामने करोगे का नहीं, इमाम ने कहा छह साल का बच्चा देखे उसके सामने गुनाह करोगे का नहीं। मौला शर्म आती है, का अजीब अल्लाह का बंदा है, छह साल के बच्चे की इज्जत करता है, खुदा की इज्जत नहीं है। जो खुदा को नाजिर नहीं मानता वो समझ ले उसके वजूद में खौफ परवरदिगार आलम नहीं है। दूसरी सिफत, पहली सिफत अल्लाह को नाजिर मानना, अल्लाह को हाजिर मानना। अगर तेरी जिंदगी में ये सिफत बारिज है, आला तरीन है, आया है, तो समझ लो तेरे वजूद में खौफ परवरदिगार आलम मौजूद है। दूसरी सिफत फरमाया, क्या तुम अपनी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में एक अहम मुहिम, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह की प्रायोरिटी कितनी है? कुरान की आयत, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها, खुदा कहते हबीब कह दो इनको, क्या इनकी जिंदगी में इनके आबा की वैल्यू ज्यादा है अल्लाह की, औलाद की वैल्यू ज्यादा है अल्लाह की, बहन भाइयों की वैल्यू ज्यादा है अल्लाह की, कौम कबीले की वैल्यू ज्यादा है अल्लाह की, ये जो बिजनेस करते हैं माल कमाते हैं इस माल की वैल्यू ज्यादा है अल्लाह की। कयामत के दिन पूछेगा झूठ क्यों बोला, परवरदिगारा बाप की खातिर बोला, अच्छा ये गुनाह क्यों किया, बीवी की खातिर किया, फला लड़के की खातिर किया, फला लड़के की खातिर किया, फला की महफिल में क्यों गए, महफिल गुनाह थी, मिक्स गैदरिंग थी, नाच गाना था, न जाता रिश्तेदार नाराज हो जाते, भाई नाराज हो जाता, पप्पा नाराज हो जाता। अल्लाह कहते तेरी जिंदगी में प्रायोरिटी किसकी है, खुदा की है रिश्तेदारों की, खुदा की या भाइयों की, खुदा की या बीवी की, खुदा की या बच्चों की? अगर खुदा की वैल्यू है तो तू मोमिन है, अव्वल खुदा। करबला में जाते ही पहला नारा इमाम हुसैन का बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू किया। कटे हुए सरों को सैयदा ज़ैनब ने नोके नेजा पे देखा, खुदा तेरी राह में कुर्बान किए हैं, तेरे लिए मेरे हुसैन ने जान दी है, तेरे लिए ज़ैनब आज दीन खुदा की दिफा के लिए शराबी के दरबार में खड़ी है। शुरू खुदा से होते थे, खत्म खुदा पे होते थे। ये सिर्फ सुना ना करो कि विलादत काबे में, शहादत मस्जिद में, रब्त अगर परवरदिगार आलम के साथ नहीं तो किसी अमल का कोई फायदा नहीं। तो प्रायोरिटी तुम्हारी जिंदगी में किसकी है? और आज दलीलें बनाने पर आए तो अल्लामा अल हफीज ऐसी दलीलें देते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है, ये इल्म से दे कौन रहा है, ये वसवसे से कर कौन रहा है, और ये बोले कि मौलाना मिक्स गैदरिंग हराम है का हराम है, फिर दलील दे के मौलाना, फिर हज में मर्द और औरतें जो साथ होते हैं उसका क्या बोलते हैं आप? अव्वल मन कास फहुवा इबलीस, मासूम फरमाते हैं जिसने सबसे पहले कियास किया, बेटा बेटी की, वो शैतान था। कौन सी खातून उम्रे और हज के लिए जब जाती है दो मन का मेकअप करके जाती है भाई? कौन सी खातून हज पे जाके सिंगार करती है? कौन सी खातून हज पे जाके अपनी जीनतों को जाहिर करती है? या तो खुदा ये बोले शादियों को अजा बना दो, कोई मेकअप ना करे, कोई सिंगार ना करे, सादे कपड़े पहन के औरतें शादियों में आए, ऐसा भी तो नहीं है ना। सिंगार करना औरत की फितरत है, अब आप उसे सिंगार से रोक नहीं सकते।
खुदा कहता सिंगार कर पर औरतें औरतों के लिए, महफिल अलग कर। अगर मैंने तुझे भूख दी है, मैं खाने का दुश्मन नहीं कहता हूं, खाओ, लेकिन कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खा पी इसराफ न कर, हलालन तय्यबा, हलाल खा, तय्यब खा, ताहिर खा, गोश्त चाहिए बकरी का खा, कुत्ते का न खा, मैं तुझे हलाल की दावत देता हूं, हलाल लज्जतें हासिल कर, औरतें औरतों के अंदर, मर्द मर्दों के अंदर। अब मौलाना भाई नाराज ना हो जाए, ऐसा भाई जो तुझे जहन्नम की तरफ बुलाए तो उसको राजी करने के लिए जा रहा है, ऐसा भाई जो तुझे खुदा से दूर करे तो उसकी जिंदगी में प्रायोरिटी समझता है। वह अमवाल तरफ तुम, हा कहीं ऐसा तो नहीं कि माल की वैल्यू खुदा से ज्यादा है तेरी जिंदगी में। बंदा बिजनेस में मसरूफ है, अजान की आवाज आई, अब बाद में चला जाऊंगा, ये माल तुझे दे कौन रहा है, ये पैसा तुझे दे कौन रहा है, कहीं ऐसा ना हो इस माल की वैल्यू खुदा से ज्यादा हो जाए, इस पैसे की मोहब्बत अल्लाह से ज्यादा हो जाए, जब खुमस देने की बारी आए तो पेट में मरोड़ शुरू हो जाए, माल दूं तो कैसे दूं, बीच बीच के रास्ते ढूंढना शुरू कर दे। बरमला खुदा बोल रहा है, किसकी इज्जत है तेरी जिंदगी में, प्रायोरिटी कौन है, परवरदिगार आलम है कि नहीं है। ये वो माशरती मसाइल, एक गैर शिया की शादी में जा वही हाल, शिया की शादी में वही हाल, फिर मजलिसों का क्या फायदा, दस दिन क्या तू हुसैन का मजाक उड़ाने आता है, मजलिस तहजीब है, मजलिस तरबियत है। जब ये बोलते हैं हम मजलिसों में आते हैं, मतलब क्या हम नजारत रख रहे हैं तुम्हारे ऊपर, जब ये बोलते हैं बदन से रूह निकलती है कब्र में आते हैं, नजारत रख रहे हैं तुम्हारे ऊपर, जब तुमने हमारी बेअत कर ली, हमारी विलायत में आ गए, अब तुम अहले बैत के रडार के नीचे हो, तुम्हारे हर अमल को देखा जा रहा है। फिर कयामत के दिन ये मत बोलना, सख्त तरीन हदीस है अमीरुल मोमिनीन की, फरमाया जो हमारा फरमान सुने माने पर अमल न करे इस पर अल्लाह की लानत है। माल भी राय के अली ने बोला पर अमल न करे, तो जिंदगी में प्रायोरिटी किसकी, परवरदिगार आलम की। रसूल खुदा एक गली से गुजर रहे थे, एक बंदा अपने गुलाम को खूब मार रहा था, गुलाम चीख चीख के कह रहा था औजुबिल्ला औजुबिल्ला, अरे मेरे मालिक मुझे ना मार, तुझे अल्लाह का वास्ता, नहीं सुनी इसने और मारा इसने, और जैसे उस गुलाम की निगाह मुस्तफा के चेहरे पर पड़ी तो कहा औजुबिर रसूल, तुझे रसूल का वास्ता, और जैसे इसने रसूल को देखा इसने गुलाम को मारना छोड़ दिया। नबी ने फरमाया बंदे खुदा तुझे अल्लाह के वास्ते दे रहा था तूने नहीं छोड़ा, मेरा वास्ता दिया तूने छोड़ दिया, कहा यही तो शिर्क है, तू शिर्क में मुबतला है कि तेरी जिंदगी में अल्लाह की वैल्यू नहीं है, नबी का नाम सुन के छोड़ देता है अल्लाह का नाम। इस तरह रसूल उम्मत की तरबियत करते थे, छोटे छोटे बच्चे आते थे नबी के पास, एक बच्चा आया, नबी ने बच्चे को बिठाया, बड़े प्यार से पूछा ये बता अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत करता है मुझसे, तो बच्चे ने कहा या रसूल आपसे मोहब्बत करता हूं। अच्छा मां से ज्यादा मोहब्बत करता है मुझसे, कहा या रसूल आपसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। कहा अच्छा ये बता खुद से ज्यादा मोहब्बत करता है या मुझसे, फिर भी कहा या रसूल आपसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। अगला सवाल बड़ों वाला था लेकिन किया नबी ने बच्चे से, जब बोलता कि आपसे आपसे आपसे, कहा ये बता खुदा से ज्यादा मोहब्बत करता है या मोहम्मद से, थोड़ी देर के लिए बच्चा रुक गया, दिल मारिफत वाला था, कहने लगा या रसूल अल्लाह खुदा से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। नबी ने कहा खुदा से क्यों मोहब्बत करता है, मुझसे ज्यादा नहीं करता, कहा आपसे भी अगर मोहब्बत करता हूं तो उस खुदा की वजह से मोहब्बत करता हूं। बाज ऐसे अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह आपसे भी मोहब्बत करता हूं तो खुदा की वजह से मोहब्बत करता हूं। बाज़ जाहिल लोग गुलव में पड़ जाते हैं,
समझते हैं मौला अली को खुश कर रहे हैं खुदा को नीचा दिखा के। शिया अगर अली से मोहब्बत करता है तो अली के खुदा की वजह से। अली को अली किसने बनाया? अली के रब ने। नबी को नबी किसने बनाया? नबी के रब ने। हजरत अय्यूब मुसीबतों में गिरफ्तार हुए, बेटा मर गया सब्र किया, बीवी बीमार पड़ गई सब्र किया, खुद बीमार पड़ गए सब्र किया, बदन में कीड़े पड़ गए सब्र किया। लेकिन एक मकाम वो आया, अब लोगों ने ताने देना शुरू कर दिए, अय्यूब यकीनन तूने कोई गुनाह किया होगा, अय्यूब यकीनन तूने कोई खता की होगी। ऐसे थोड़ी है खुदा अपने नबी को इतनी मुसीबतों में मुबतला करे। जब ये सुना ना लोगों के ताने, अब सब्र खत्म हुआ। क्या खुदाया, बीवी बीमार हुई सब्र किया, बेटा मरा सब्र किया, खुद बीमार हुआ सब्र किया, बीमारी में बदन में कीड़े पड़ गए सब्र किया, अब नहीं कर सकता। जब ये बोला ना तो अल्लाह की आवाज आई, अय्यूब इतराता क्यों है, तूने सब्र किया, बेटा बीमार हुआ सब्र किया, बीबी बीमार हुई सब्र किया, खुद बीमार हुआ सब्र किया, तूने सब्र किया, तेरा कमाल नहीं था, मैंने तुझे तौफीक सब्र दी, तब जाके तूने सब्र किया। तभी अहले बैत ने किसी अमल पे इतराया नहीं, क्योंकि पता था अगर तौफीक खुदा ना हो तो कुछ भी नहीं। ये जो मैं आजकल माशरे बढ़ गई ना, मेरी मजलिस, मेरा मजमा, ये जो बानियों में एक मैं पैदा हो जाती है और खतीबों में एक मैं पैदा होती है ना भाई, खुदा तौफीक न दे तो गले से आवाज भी ना निकले, खुदा तौफीक न दे तो अपने घर से चल के फर्श अज़ा पर भी ना आ सके। ये कदमों को ताकत कौन दे रहा है? खुदा। यहां तक मासूम ने फरमाया, ये जो अपने गुनाहों की तौबा करते हो ना, ये तौबा भी तौफीक खुदा है। अगर खुदा तौफीक न दे तो उसके दर पे न जाए। ये तौफीक परवरदिगार आलम है कि तू फर्श अज़ा पर है, जिनको नहीं मिल रही तौफीक से महरूम है। करोड़ों मुसलमान है दुनिया में, चंद हजारों को खुदा ने चुन के फर्श अज़ा हुसैन पे बुलाया ना, ये किसकी तौफीक है? ये परवरदिगारे आलम की तौफीक है। नया नया बंदा मुसलमान होना चाहता था, या रसूल अल्लाह बेयत करना चाहता हूं आपकी, इस्लाम पे ईमान लाना चाहता हूं। नबी ने देखा उसको, फरमाया मैं बेयत करने दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। जी या रसूल अल्लाह, कौन सी? का उबायुक हत्ता अन तक्तुल अबाक। हाँ, बेयत करने दूंगा लेकिन शर्त यह है कि अपने बाप को कत्ल करो। परेशान हुआ, मैंने तो सुना ये रहमत भरे वजूद के मालिक हैं, और यहां आया तो कह रहे हैं बेयत करने दूंगा शर्त यह है कि अपने बाप को कत्ल करो। जवान ईमान का पुख्ता था, कल्ला बस कोई बात नहीं, या रसूल अल्लाह आप जो कहोगे करूंगा। जब उसने बेअत की, उसके बाद अमीर फरमा, वल्लाहि ला नअमरुकुम बिकत्ल आबाइकुम, खुदा की कसम मैं कभी तुम्हें अपने बाप के कत्ल करने का हुक्म नहीं दूंगा, मैं तो देखना चाहता था तेरे दिल में खुदा का इश्क कितना है, क्या तू इस्लाम के लिए बाप को छोड़ सकता है कि नहीं। तभी जंगे उहद में जब बेटा बाप के मुकाबले में आया ना, तो अली ने रोक दिया कि नहीं तू आगे न जा। जब हक आया हो जाए, जंग जमल, मोहम्मद इब्ने अबी बकर अपनी बहन के मुकाबले में आ गए, जानते थे कि हक किसके साथ है, हक अली के साथ। करबला में भी ऐसा ही था, एक भाई भाई के मुकाबले में खड़ा हो गया था। प्रायोरिटी अगर तुम्हारी जिंदगी में खुदा बन जाए, फिर ये नहीं देखता रिश्तेदार कौन है, भाई कौन है, माल की वैल्यू क्या है। करबला इसी चीज का नाम है, हुसैन की जिंदगी में अगर कोई था तो बस खुदा था। जो कुछ कर रहे परवरदिगार आलम के लिए, जो कुछ हुसैन कर रहे अपनी आखिरत को आया करने के लिए कि देखो आखिरत की वैल्यू क्या, खर्च तो ले इस्लाह है उम्मत जद्दी, न नाम न नमूद, बस परवरदिगार आलम। तभी कहा कि अब्बास एक रात की मोहलत मांगो। लश्कर यजीद ने यह समझा कि शायद इस रात हुसैन बच्चों के साथ बैठना चाहते हैं,
बंदे को पता हो ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात है, किसके साथ गुजारेगा? अपने अहलो याल के साथ। लेकिन यजीद के सिपाही कहते हैं लश्कर हुसैन से तस्बीह खुदा की आवाज ऐसे आ रही थी जैसी शहद की मक्खियां अपने छत्ते पे आवाजें देती हैं। जब जिंदगी में प्रायोरिटी खुदा बन जाए, हुर क्यों बना? कहते हैं शब आशूर, पहले जमानों में जब लोग जंग पे जाते थे, बीवी बच्चों को साथ लेके जाते थे। बाज रिवायात में के हुर मुसल्ली इबादत पर था, सोच में था, विचार में था, क्या करूं। हुर ने देखा कि हुर की बच्ची खेमे में आई और कहने लगी कि बाबा एक प्याली पानी की मिल सकती है। कहा कि बेटा पानी पड़ा हुआ है, पी ले। कहने लगी बाबा मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। अब बच्चे खेलते खेलते दूर दूर दूसरे खेमों में चले जाते थे। कहने लगी बाबा मैं दूसरे खेमे से आ रही हूं जो सामने लगे हुए हैं, मैंने क्या देखा? बेटा क्या देखा? पहले जमाने में लोग मटके रखते थे, पानी ठंडा रहे उसके नीचे बोरियां देते थे ताकि पानी ठंडा रहे, उसके टेम्परेचर को सेव करने के लिए। कहती बाबा मैंने देखा कि मटके सारे खाली हो गए, उल्टे पड़े हुए हैं, और वहां बच्चों को इतनी प्यास लगी है कि बच्चों ने अपने सीनों को उन बोरियों पर रखा है ताकि सीने को ठंडक मिले। हुर के वजूद में लर्जा तारी हो गया कि हुर हुसैन ने तुझे भी पानी दिया, तेरे घोड़ों को भी पानी दिया। अब कांपने लगा, अगर तूने रास्ता न रोका होता तो हुसैन की सकीना क्या प्यासी होती। और हुसैन ने तुझे कहा था तेरी मां तेरी अजा पे बैठे, तू जवाब में न कह सका कि हुसैन तेरी मां, जबान को लगाम दी क्योंकि हुसैन की मां फातिमा है। और कयामत के दिन उस बीबी को जवाब क्या दोगे जब पूछेंगी मेरे बेटे ने तेरा बिगाड़ा क्या था? हुर बना, अजमत खुदा को जब उसने सामने रखा तो फरमाया अगर हुसैनी बनना चाहते हो तो जिंदगी में प्रायोरिटी किसको बना? खुदा को बना। ये रातें रोने की रातें, ये रातें खुद को हुसैन से मुत्तसिल करने की रातें। उलमा इरफान फरमाते हैं जब तू रोता है ना तो तेरा कल्ब इमाम जमा का हम नवा बन जाता है। कहीं 10 दिनों में क्या होता है कि गोया दिलों पे पहाड़ टूट पड़ता है। दिल तो वही था मुहर्रम से पहले, इतना गमगीन क्यों नहीं था? मुहर्रम में इतना गम कहां से आता है? का जब मुहर्रम का चांद नजर आता है ना तो वली खुदा का दिल रोने लगता है, और वली खुदा के दिल का असर हर मोमिन के दिल पे होता है। तो जब तू ये रोता है ना, तू नहीं रोता, ये हुज्जत खुदा है जो तेरे दिल में रो रहे हैं। ऐसे सलाम करें जैसे हुज्जत खुदा अपने जद हुसैन को सलाम करते। अस्सलाम अला हुसैन व अला ابن الحسین سب مل کے والا اولاد الحسین والا اصحاب مجمع بہت ہے حسین کی صدا بلند السلام على الحسين وعلى علي ابن وعلى أولاد سب مل کے وعلى صحاب आवाज थोड़ी बढ़ा दें सब मिलके अस्सलाम अला अला
علی ابن وعلى صحاب میرا سلام علی اصغر کی ننی سی گردن پہ میرا سلام چار سالہ بچی کے جلے ہوئے کرتے پہ میرا سلام قاسم کی ٹوٹی ہوئی بسلیوں پہ امام زمانہ فرماتے مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم میری سکینہ کو دماچے مارتا رہا میرا سلام کٹی ہوئی گردنوں پہ بچوں کی عادت ہے جو بڑے کرتے ہیں بچے بڑوں کی نقل اتارتے ہیں روایت کے جملے ہیں جب کٹی گردنے کوفے کے بازار میں آئی تھی جب کوفیوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے تو ایک بچے نے پتھر اٹھایا امام حسین کو مارنا چاہا ساتھ میں کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی میرے لال پتھر نہ مارنا یہ تیرے مولا کا سر بچہ ڈر گیا پتھر پھینکا رو کے کہنے لگا ہے ولی خدا کون مجھے بیٹا کیوں کہہ رہے ہو ایک مرتبہ آواز آئی میرے لال میں تیرا بابا حبیب ابن مغاہ اسے پتھر نہ مار یہ تیرے مولا کا سر میرے لال جلدی گھر جا اماں کو کہو کچھ چادروں کا بندوبست کرے آدھی رات کا وقت تھا داروغہ زندان خواب دیکھا کیا دیکھا ایک کالے برقعے میں بی بی ہے قدیمی مومنوں سمجھ گئے یہ بی بی کون ہے کیا دیکھتا ہے کالے برقعے میں بی بی ہے زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے رو کے کہنے لگی داروغہ بتا زہرا نے تیرا کیا بگاڑا داروغہ زہرا نے تیرا کیا بگاڑا داروغہ تیرے بچے بھوکے نہیں ہے تیرے بچے پیاس نہیں ہے لیکن میرے بچے بھوکے بھی ہے پیاس بھی ہے داروغہ نیند سے اٹھا دوڑتا ہوا زندہ گیا کیا دیکھا تو شہزادے چاند کے ٹکڑے زندہ میں اندھیری رات میں داروغہ نے شہزادے کے قدم کا بوسہ لیا
कहने लगा शहजादो मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था जहरा के लाल हो। अगर कोई हुक्मों में बजा लाने के लिए तैयार हो। एक मर्तबा दारुगा ने गौर से देखा छोटा शहजादा बड़े शहजादे की गोद में सो रहा है। कहने लगा शहजादे कहीं तेरा भाई मर तो नहीं गया। शहजादे ने कहा दारुगा बड़ी मुद्दतों से मेरे भाई ने अम्मा को नहीं देखा। अल्लाह किसी बच्चे को मां से जुदा न करे। दारुगा मारा बाबा भी मर गया। सकीना सिर्फ बाबा से जुदा हुई थी लेकिन मां से जुदा नहीं हुई थी। शहजादो जो कहो मैं तेरे लिए करने के लिए तैयार हूं। दारुगा मुझे खौफ है कहीं मां की जुदाई में मेरा नन्ना भाई मर न जाए। अगर जहमत ना हो घर जाओ अपनी बीवी को जिंदा लो थोड़ी देर के लिए मेरे भाई को सीने से लगा ले शायद मेरा भाई बच जाए। दारुगा रोता हुआ घर गया। बीवी को कहा जल्दी करो जिंदा चलना है। ये साहब ये नबी की बेटी थी। कहने लगी दारुगा मैं शरीफ औरत हूं मुझे जिंदा न ले चल। रोके कहने लगा कायनात की शरीफ बीवी ओ जिंदा की दीवारों पे सर करो रही हो। जरा के बच्चे उजड़ गए। मोमिना ने जल्दी जल्दी से बुरका पहना जिंदा पहुंचे। अजीजो नफ्सियाती मसला था अंधेरा था। मोमिना ने शहजादा उठाया अपने सीने से लगाया। शहजादे ने समझा मैं अम्मा की गोदी में आ गया मैं मदीने आ गया। दोनों बाहें मोमिना के गले में डाले रोके कहने लगा अम्मा हम यतीम हो गए अम्मा बाबा मर गए। अम्मा बाबा के पांवों में रस्सियां डाल के कूफे की गलियों में फैला गए। मोमिना ने कहा शहजादे मुझे अम्मा ने कहो मैं तेरी कमी। अल्लाह लानत अल्लाह अल कौम الظالمين